शर्मा रेसिपीज में आपका स्वागत है। पकोड़े खाका करके, समोसे खाका करके आप पकोड़े और समोसे जैसा नहीं हो जाए, इसके लिए हम लाए हैं आज बिना तेल में तले हुए समोसे। इसके लिए हम एक कटोरी मैदा लेंगे। मोइन के लिए मैंने दही लिया हुआ है एक कटोरी, थोड़ा सा नमक है, ये एक चम्मच नमक है, ये मीठा सोडा है चुटकी भर लिया है हमने, ये अजवाइन ली है जो हम मैदा में मिक्स करने के लिए लेंगे, और स्टफिंग के लिए ये एक कटोरी आलू लिए हुए मैंने, लगभग चार आलू हैं ये बड़े वाले, उबाल करके मैंने इसको मैश किया हुआ है, थोड़े से मटर लिए हुए हैं, एक हरी मिर्ची है, और ये प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट है जिसको हम बनाएंगे नॉन स्टिक कढ़ाई में, हम इसको पेस्ट को बनाएंगे, किसी भी तरह का ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमने इसके लिए जीरा, काली मिर्च, चिरौंजी और राई ली हुई है, ये लाल मिर्च पाउडर है आधा चम्मच छोटी वाली, ये हल्दी है, ये एक चम्मच धनिया पाउडर है, और ये गरम मसाला है जो हम बाद में डालेंगे। ये सारे सामग्री होगी जिससे हम समोसे बनाएंगे। सबसे पहले हम मैदा डालेंगे किसी बाउल में, और उसमें थोड़ा सा ये जो मैंने चुटकी भर मीठा सोडा लिया था वो डाल देंगे, ये अजवाइन ली हुई है मैंने वो भी इसमें पूरी डाल देंगे, और ये मोइन के लिए जो दही लिया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे पूरा, और थोड़ा सा नमक है इसमें डाल देंगे, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, लगभग आधा कप पानी हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये जो आटा था, मैदा का जो घोल था वो तैयार हो गया इसका समोसों के लिए। अब हम इसको किसी कपड़े से ढक देंगे आधे घंटे के लिए, और इसको थोड़ा सा फूलने देंगे आटे को, और तब तक हम समोसे में भरने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। नॉन स्टिक फ्राई पैन, इसमें जीरा, राई, कलौंजी और काली मिर्च का जो सूखा हुआ है वो सूखा इसमें डाल देंगे, किसी भी तरह का तेल या घी या कोई भी अन्य जो चिकनाहट युक्त सामग्री है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही हम इसमें डालेंगे और इन लोगों को सिकने देंगे, जब ये पक जाएंगे सिक जाएंगे तब हम अन्य सामग्री इसमें डालेंगे। देखिए अब ये सिक गया है पूरी तरीके से, अब हम इसमें ये प्याज और मिर्च का जो पेस्ट है वो हम डालेंगे इसमें, और इसको सिकने देंगे। इसमें हमने तेल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है, और इस टाइप से हम इसको भुनने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें जो हमने हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट लिया हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे। एक दो मिनट तक इसको इसी टाइप से चलाएंगे हम, लगभग एक से दो मिनट। उसके बाद में ये जो आलू मैशे हुए थे हमने वो आलू हम इसमें डाल देंगे, और जो मटर थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पेस्ट को, सिकने देंगे इसको। अच्छी तरह पक जाने के बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे जो हमने मसाले बनाए हुए थे वो। अब हम ये सारे मसाले लेंगे, हरा धनिया है, हल्दी है और मिर्च है, इन्हों को हम इस आलू के मसालों में डाल देंगे, और एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक हम डाल देंगे इसमें। और अब हम इस मसाले को इस आलू के मसालों में मिक्स करेंगे, लगभग एक मिनट इसको हिलाएंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इस टाइप से इनको हिलाएंगे, उसके बाद जो ये गरम मसाला लिया हुआ है हमने वो भी इसमें डाल देंगे। मसाला तैयार होने के बाद अब हम समोसे बनाना शुरू करेंगे। इस टाइप से हम इसको बना लेंगे, जैसे आप रोटी बनाते आए हैं सेम उसी तरह से हमारे को बनाना है। रोटी की साइज के जितना आपको बेलना है, हाँ
उसके बाद में किसी चक्कू या अन्य की सहायता से आपको इसमें बीच में से दो हिस्से करने हैं, आपको काट देना है बीच में से इस टाइप से। यदि आप डिज़ाइनदार समोसा बनाना चाहते हैं तो इसको इस टाइप से आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसमें चक्कू की सहायता से या अन्य किसी पैनी चीज़ की सहायता से आप डिज़ाइन दे सकते हैं इस टाइप से। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इसके ऊपर, और ये जो पीस है हमारा अलग किया हुआ है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे इस टाइप से, और इसको चिपक देंगे। और इधर कोनों पे हम पानी लगा लेंगे थोड़ा सा इस साइड में, और इसको जोड़ देंगे इस टाइप से। ये इस टाइप से हमने इसको बंद कर दिया, और ये जो खुला हुआ भाग है इसमें हम हमारे जो हमने बनाया था मसाला वो हम इसमें डालेंगे इस टाइप से, और इसको बंद कर देंगे समोसों को बनाने के बाद में। इसका जो मुंह खुला हुआ है इसके पहले हम थोड़ा सा पानी लेकर के पानी लगाएंगे, और फिर हल्के हाथ से इसको बंद कर देंगे इस टाइप से। ये आपके डिजाइनदार समोसे तैयार हो गए। डिजाइन के दोनों तरह के समोसे तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको सेकेंगे। ये हमारे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। जो माइक्रोवेव होगा उसमें ये ग्रिल लगा देंगे इस टाइप से, और जो सारे समोसे होंगे उनको हम रख देंगे इस टाइप से। आप इसको लगा देंगे माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव बंद कर देंगे आप, और दस मिनट के लिए आप इसको ऑन करेंगे। ये देखिए ये समोसे तैयार हो गए हैं, बनकर के तैयार हो गए। पूरे समोसे सिक चुके हैं, दोनों साइड से हमने बेक कर लिए इसको। ये देखिए समोसे अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। इसमें हमने किसी भी तरह का तेल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है, विदाउट ऑयल समोसे आपके तैयार हो चुके हैं। जैसे आप समोसे बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं, माइक्रोवेव में इसके सेकना है, और इस टाइप से आपके बिना तेल के समोसे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। यदि हम इनको अंदर से भी तोड़ते हैं तो आप ये देखें किस टाइप से अंदर से बने हैं। ये देखिए पूरी तरह से समोसे अंदर से भी सिक चुके हैं, और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ऐसे हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप खा सकते हैं, जैसे आप मार्केट से लाते हैं ठीक उसी टाइप से समोसे हैं। दोनों साइड से समोसे सिक चुके हैं, और हमने इसमें किसी भी तरह का तेल या घी का उपयोग नहीं किया है, विदाउट ऑयल रेसिपी है। आप प्लीज़ इसे ट्राई करें, अपने साथ साथ अपने घर वालों को, मेहमानों को खिलाएं। यदि हमारा ये आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।